आज हमारा है एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कह रहा किससे करना हमें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना। तो हमारा क्या है, एक्स प्लस 4 इक्वल टू कितना है 14, ये हमारी इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन हमारी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना है 4, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो हमें जब सब्स्टिट्यूट करना होता है तो क्या करना, हमें एक फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन किसी एक को क्या करना है, एक्स की वैल्यू लेनी होती, तो हम दो को चेंज करते हैं। तो हम करेंगे, हमको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन हम थर्ड बना रहे हैं, एक्स एक्स इक्वल टू, मैं वाई पीछे ले जा रहा, वाई यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस है, वाई पीछे आके प्लस हो जाएगा, ये हम ले लेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन थर्ड को कहाँ रखना, मैंने सेकेंड को चेंज किया थर्ड में, अब हमें थर्ड इक्वेशन कहाँ रखनी, फर्स्ट में रखना, कहाँ रखना फर्स्ट में। तो पुटिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 है, क्या हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितने 14 है, और हमने एक्स की वैल्यू क्या ले रखी 4 प्लस, तो एक्स की जगह 4 प्लस वाई प्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। ओके, अब देखो वाई, ये 4 ऐसे रहेगा, ये 4 तो ऐसे रहेगा। ओके, तो वाई वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा इक्वल टू 14। ओके, अब ये 4 पीछे चला जाएगा, 2y तो ऐसे रहेगा 14 माइनस 4, और 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 14 माइनस 4 गया 10, और y इक्वल टू 10 बाई 2, तो हमारा y हमारा कितना निकल गया, तो हमें y कितना मिल गया 5 मिल गया। ओके, अब मुझे क्या x की वैल्यू निकालनी, तो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, आप 1 में रखो 2 में रखो किसी भी, हमारी इक्वेशन 1 की थी ये थी, तो हमें अब y की जगह, y हमारा कितना है, y मेरा कितना रहेगा 5, तो यहाँ क्या रखना 5 इक्वल टू 14। अब x इक्वल टू 14 पीछे चले जाएगा 5, और x इक्वल टू 14 माइनस 5 है 9, तो अब हमें मिल गया x इक्वल टू हमारे कितना है 9 है, y इक्वल टू कितना है 5 है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। ओके,